हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है मेरा बर्थडे, विच इज 13th बर्थडे ऑफ माई लाइफ। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस करे हैं अपनी लाइफ में। लाइक टिल 13th बर्थडे मैंने क्या क्या चीज़ें हैं जो लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं, व्हाट आई हैव लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा फिलोसॉफिकल, थोड़ा सा यू नो शेयरिंग वाला, लाइफ शेयरिंग वाले चीज़ें कि आपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी, क्या आपके तजुर्बे हैं 30 साल तक के लाइफ में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो चीज़ है वो है जो मैंने एक्सपीरियंस करी, जो मुझे ऐसा लगा कि काश मुझे वो चीज़ें पहले पता होती तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो हुई वो नहीं होती। अगर मेरा एटीट्यूड उस टाइम पर अगर इस तरीके का होता तो पहली चीज़ ये थी कि बी ऑलवेज ओपन टू चेंज। बिल्कुल सही आपने सुना, हमेशा खुद को इतना फ्लेक्सिबल रखिए कि आपकी लाइफ में अगर कोई चेंज हो रहा है तो बी रेडी टू फेस इट, बी रेडी टू एक्सेप्ट इट, यू नो बी रेडी टू गो विद द फ्लो विद द चेंजेस। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा जो भी चेंज हो रहा है आप उसको रेजिस्ट मत करिए, या जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है आप उनको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करिए। आई एम नॉट सेइंग दिस। व्हाट आई वॉन्ट टू से, व्हाट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि कभी कभी होता है ना लाइफ में हम इतने एडमेंट हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई अटायर है, लो आपको बहुत पसंद है और आप बहुत उसमें कंफर्टेबल हैं सारी चीज़ें, बट वो हर जगह वो चीज़ चलती नहीं है। लाइक सपोज करिए मैं कह रही हूँ मैंने पजामा पहना है और मैं किसी की शादी में जा रही हूँ और मैं कह रही हूँ भाई मैं तो पजामे में कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं तो यही पहन के जाऊंगी, बट शादी का जो माहौल होता है अगर आप उसमें पजामा पहन के जाएंगे तो नो डाउट आप कंफर्टेबल हैं अपने अटायर में, आप गलत नहीं है, बट वो जो एनवायरमेंट है वो सही नहीं है। सो आप हमेशा खुद को इतना फ्लेक्सिबल रखिए। थोड़ा सा एग्जांपल सिली हो गया, बट व्हाट आई रियली वांट टू से इज कि जैसे कुछ भी आपकी लाइफ में इवेंट हो रहा है या कोई चेंजेस हो रहे हैं, या यू नो आपके सपोज करें आपके घर में कोई आ रहा है या आप कहीं जा रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन फेज आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ घबराने की बजाय, एंजाइटी होने की बजाय, स्ट्रेस लेने की बजाय, आप कोशिश ये करिए कि आप अपने दिमाग को साइकोलॉजी तरीके से या इमोशनली किसी भी तरीके से मेंटली आप खुद को ये बोलिए कि नहीं, मेरा लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजेस, लाइफ में हमेशा चेंजेस होते रहेंगे और अगर लाइफ में चेंजेस नहीं होंगे तो हम कभी ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे चेंजेस होते जाते हैं हमारे एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग होते जाते हैं और तजुर्बों के साथ ही आपको यू नो जीवन का ज्ञान जब पता चलता है, तो वो वाली चीज है। तो हमेशा खुद को ओपन यू नो खुद को चेंज ओपन रखिए चेंज के लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज चेंजेस हो रहे हैं तो उसे आप एक्सेप्ट करिए, आप देखिए कि उन चेंजेस की वजह से आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये मेरा एक लाइफ लेसन था, जो सबसे पहला जो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत जगह पे खुद को इतना एडमेंट रखा, मुझे ऐसा लगता था नहीं नहीं मैं क्यों एक्सेप्ट करूं उन चीजों को, मैं तो ऐसी ही हूं, मैं तो ऐसी ही रहूंगी, और उस चक्कर में मैंने बहुत सफर किया है हर तरीके से। बट द मोमेंट मैंने ये चीज रियलाइज करी कि नहीं, अगर लाइफ में आपके कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आप उनके साथ में थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप कॉम्प्रोमाइज करिए, एडजस्ट करिए, बट यू नो आपके अब सपोज करिए जैसे पहले हमारा एक वो था एडल्टहुड वाला फेज था, फिर हमारी शादी हुई और हम लोग सब कुछ सब सही था, फिर चीकू हुआ, चीकू होने के बाद आप में से बहुत लोग जानते हैं मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से निकली हुई हूँ। सो ऐसा तो नहीं है ना कि चीकू हुआ तो मैं उससे चिढ़ रही हूँ कि यार ये क्यों हुआ है, इसको नहीं होना चाहिए था, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मैं कहीं पे भी जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, बट ऐसा नहीं होता। लाइक आज ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, इवन ही यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ है चीकू राइट नाउ। तो उसके आने से बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई, अगर वो नहीं होता तो शायद मैं यूट्यूब चैनल ही अपना ओपन कर पाती। सो व्हाट आई रियली वांट टू यू नो शेयर विद यू ऑल दैट कि बी ऑलवेज ओपन टू चेंजेस। जरूरी नहीं होता कि हर चेंज आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव ही लेकर आता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी लेकर आते हैं। तो ये मेरा लाइफ का सबसे पहला लेसन था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सेकेंड जो पॉइंट है वो है डाउटलेस एक्सपीरियंस मोर। ऑब्वियसली मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु नॉट रेडीली ट्रस्ट एनीवन, बहुत जल्दी से ऐसा मैं रेडी नहीं हो जाती कि हाँ भाई ये है और ये चीजें हैं, ये मेरी लाइफ में है, मैं इस पर ट्रस्ट कर लूंगी, जो कह रहा है जो भी कर रही है सारी चीजें सही है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड आई हैव नेवर बीन दैट काइंड ऑफ पर्सन, बट राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि इस एटीट्यूड के चक्कर में बहुत सारे
रिलेशनशिप थे, बहुत सारी चीजें थी जो बहुत टाइम पे चीजें सही हो सकती थी बट वो नहीं हुई, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार ये जो बोल रहा है या जो कर रहा है या अगर फीमेल की बात करी जाए, ये जो कह रही है या पता नहीं सही है कि नहीं, मैं क्यों उन पर ट्रस्ट करूं, मेरे तो लाइफ का एक्सपीरियंस में कुछ और है, मैंने तो कुछ और चीजें देखी है, मैंने तो कुछ और चीजें एक्सपीरियंस करी है, तो मैं इसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करूंगी, मैं इसकी बात नहीं मानूंगी। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपको अपनी फिलोसफी, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी जो चीजें हैं टिल आपने जो भी आज तक एक्सपीरियंस करी है, फॉर अ शेक ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए उन चीजों को साइड रखिए। अगर कोई जना आपको कुछ कह रहा है तो फॉर अ सेकेंड आप उसको गिव इट अ थॉट, आप उसको सोच के देखिए कि अगर ये ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है। मैं इसके साथ एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, जैसे जब चीकू हुआ था, क्योंकि मेरी लाइफ में वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज था, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखी थी, मैं बहुत ही एक अल्लड़पन वाली जो लाइफ होती है ना कि हाँ कहीं पे भी चले गए, कुछ भी कर लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी ऐसा कर लिया, तो ये वाला मेरी लाइफ में बहुत चलता था। बट द मोमेंट चीकू वॉज बॉर्न, मुझे इमिडिएटली ऐसा लगा कि नहीं, अब एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी लाइफ में, आई हैव टू लुक आफ्टर हिम, मुझे उसकी सारी चीजें देखनी है। एंड जब एक बच्चा, जब एक औरत की लाइफ में एक बच्चा आता है, औरत की नहीं, पेरेंट्स की लाइफ में जब बच्चा आता है, जब घर में एक बच्चा आता है, तो हर एक मेंबर का जो एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स दिस द चाइल्ड वो एकदम चेंज हो जाता है। उसको लगता है कि यार इसके लिए ये करते हैं, इसके लिए वो करते हैं, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने जो एक्सपीरियंस किया वो इसके साथ नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली मेरे साथ में भी वो चीजें हुई, जो मेरा एकदम ऐसा जो एटीट्यूड था ना कि मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, मैं तो कुछ नहीं करूंगी, मैं तो हर चीज के लिए ये कर लूंगी वो कर लूंगी, तो चीकू के होने के बाद में बहुत सारी चीजें चेंज हुई, मैंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने बहुत सारी चीजों को समझा। जब मेरे आसपास के लोग मुझे कहते थे कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो मुझे एक टाइम पे लगता था यार ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं मेरे हिसाब से कर लूंगी, बट ओवर द पीरियड जब मुझे रियलाइज हुई कि अगर कोई जना आपको कुछ कह रहा है, आप हर एक की बात पर ट्रस्ट मत करिए। आई एम नॉट सेइंग कि जो भी जना आपकी लाइफ में आ रहा है एडवाइस जरा सजेशन देना, आप सबकी बात मानिए, बट नहीं, जो आपके बहुत क्लोज वन है, जो आपकी फैमिली है, कोई बूढ़े बुजुर्ग हो गए या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, ऐसा एक्सपीरियंस इंसान हो गया जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हैं, जिसने बहुत सारे ट्रांजिशन ओवरकम किए हैं, अगर कोई जना आपको कोई सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रही है, तो एक बार के लिए उसको थॉट दीजिए, एक बार के लिए सोचिए, एक बार अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये इसने अगर ये बात बोली है तो एक बार मैं करके देख लेती हूँ या करके देख लेता हूँ, तो करके देखिए। ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस दिस। मैंने एक टाइम था जब मैं लोगों की बात नहीं सुनती थी, मैं इतनी ज्यादा, एक तो होता है ना कि एडमेंट वाली लड़की थी, इतना मैं इतनी बोलते ना अड़ियल टाइप की थी, मुझे किसी की चीज सुनती नहीं थी, बट एक टाइम ऐसा आया जब लोग मुझे कुछ कहते हैं या कुछ समझाते हैं, मेरे फैमिली में से, चाहे मेरे इन-लॉज हो गए, चाहे मेरी इमीडिएट फैमिली हो गई या मेरे क्लोज वंस हो गए, अगर मुझे कुछ कहते हैं कि कविता ऐसे नहीं, इस चीज को ऐसे करके देखो तो ये चीज होगी, मैंने करके देखा है, एंड ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में बहुत मेजर चीजें चेंजेस हुई हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरी फ्रेंड है, क्लोज वन, बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरी, उन्होंने मुझे एक बार ये चीज बोली कि कविता अगर तुम लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली हो तो रैंडमली एक दिन उठी और तुमने सोचा कि नहीं नहीं मुझे चीज करनी है और तुमने कर ली, ऐसा मत करो। नो डाउट तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें लगता होगा कि हाँ जो तुम करने वाली हो, जो तुम सोच रही हो, जो तुम्हारी विजन है वो बहुत सही है, बट फॉर अ चेंज अपने आसपास के दो तीन लोगों से इस चीज को डिस्कस करो। डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो बोला तुम वो चीज मान लो और जो तुमने सोचा था वो मत करो, ऐसा मत करो, बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जब व्यूज हमें मिलते हैं तो एक होता है ना कि जो एक एवरेज भी किसी चीज का निकाला जाता है तो बहुत सारे आइडेंटिटी एंटिटी होती है, उसके बाद में उस चीज का एवरेज निकाला जाता है, वैल्यू होता है, तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ उस चीज को डिस्कस करो, बहुत सारे अंदर से जो आपके क्लोज वन है उससे डिस्कस करिए, फिर आप सोचिए कि अगर इसने ये वाला व्यू दिया है तो उसने ऐसा क्यों दिया है, इसने लाइफ में ऐसा क्या किया है, इसने शायद एक्सपीरियंस किया होगा इसके साथ में ये चीजें। जैसे जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तो आप हमेशा उन लोगों की वीडियोज देखते हैं जो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जिन्होंने बहुत सक्सेसफुल बिजनेस किया है, जिन्होंने 0 से 100 पे लेके गए हैं बिजनेस को, तो आप उनके वीडियोस देखते हैं। सेम लाइक दैट, अगर आप लाइफ में कुछ चीजें, कुछ डिसीजन लेने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं तो अपने आसपास के लोगों से एक बार से डिस्कस करिए, उनसे उनके व्यूज लीजिए।
आप कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छी बात है. आपको लगता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं जो करने जा रही हूँ करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और उसके विजन जो भी होगा, जो भी रिजल्ट होगा, आई एम रेडी टू फेस दिट, देन गो फॉर इट. बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो अपने आसपास के लोगों से उसे डिस्कस करिए. इसलिए मैंने ये चीज बोली कि एक्सपीरियंस मोर और यू नो डाउट लेस, थोड़ा सा डाउट चीजों पर कम रखिए कि नहीं नहीं इसने ये बताया तो पता नहीं, मैं तो नहीं मानने वाला, इसने बोल दिया होगा ये वो. तो थोड़ा सा इनडायरेक्टली चीज उसी को रिलेट करती है कि आप थोड़ा सा जब अपने आप को ओपन रखेंगे चेंजेस के लिए तो आप चीजें एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छी करेंगे. आप में ऐसा नहीं है हर बार पॉजिटिव ही होगा, एट टाइम्स आपके साथ नेगेटिव भी हो सकता है, बट बी रेडी टू एक्सेप्ट इट. और जिंदगी यही है, जिंदादली का नाम होती है, तो उसी के हिसाब से चलिए. तो थर्ड जो पॉइंट है जो मैंने लाइफ में सीखा है वो ओवर द पीरियड नहीं सीखा, वो कुछ सालों के अंदर ही सीखा है. वो ये है कि आप अपना स्टैंड लेना सीखिए. आप किसी पे कभी भी डिपेंड मत करिए कि भाई ये जना मेरे साथ में है, अगर कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ में या मेरे आसपास में तो ये जना मेरे बिहाफ पे बोलेगा या ये जना मेरे बिहाफ पे बोलेंगी या यू नो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स कर लेंगे, चीजें मैनेज कर लेंगे. नहीं, ऐसा मत करिए. अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई चीज गलत हो रही है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे आसपास ये चीज सही इस तरीके से होनी चाहिए या मेरी लाइफ में कुछ चीजें डिसीजन है, कुछ भी चीजें हैं जो मुझे लगता है मुझे खुद लेने चाहिए या मुझे उनके लिए यू नो बोलना चाहिए, मुझे थोड़ा सा अपना व्यू देना चाहिए कि नहीं नहीं इस चीज को ऐसे भी हो सकता है, इस चीज को ये भी हो सकता है, और आपको लगता है कि अगर आपके घर में आपकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी चीज होती है उस पर अपने व्यूज देना, सारी चीजें करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल की लाइफ में. यू नो अपना यू नो स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, सिर्फ फैमिली के मैटर्स में नहीं, हर जगह, चाहे प्रोफेशनल वुमेन है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे आप बच्चा संभाल रही है, चाहे आप कोई जॉब कर रही है, कुछ भी कर रही है, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई चीज गलत हो रही है या आपके साथ कोई चीज गलत हो रही है, आप बोलिए, आप बताइए कि नहीं मुझे चीज नहीं पसंद है, मैं अगर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से, जो आपके एक्सपेक्टेशन है, मैं उन चीजों पे नहीं कर सकती, मैं वो चीजें फुलफिल नहीं कर सकती, आप बोलिए. कभी कभी क्या होता है, चुप रहने से बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं और एक बात बोल देने से बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं. ट्रस्ट मी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज करी है. देर वॉज अ टाइम जब मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, आई वॉज वेरी शाय गर्ल. मुझे ऐसा लगता था चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेट इट भी कर देते हैं, क्या है ज्यादा बोलेंगे यू नो लड़ाइयां हो जाएंगी या बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हो जाएंगे सारी चीजें. बट द मोमेंट आई स्टार्टेड स्पीकिंग, आई स्पीकिंग माई थॉट्स, माई विजन, माई व्यूज ऑन एवरीथिंग, माई लाइफ हैज बीन चेंज अ लॉट. लाइक मुझे पता है जब द टाइम मैंने जब पहली बार बोला कि नहीं मुझे ऐसा लगता है ये चीज ऐसे होनी चाहिए या मैं इन चीजों में कंफर्टेबल नहीं हूं या मैं इस इंसान के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं या व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग यू नो आई कांट डू दिस, ये मेरा जॉनर ही नहीं है. लाइक कुकिंग वॉज समथिंग जो मेरा जॉनर कभी नहीं था, लाइक ना तो शादी से पहले था ना शादी के बाद में ना अब भी है. बट मैंने ये चीज बोली कि भाई अगर आप मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, आई वॉज गिविंग एग्जाम्पल कि मैं एकदम होटल जैसा खाना बनाऊं या जैसे यू नो बहुत सारे लड़के को शौक होता है खाना बनाने का. आई वॉज नेवर बीन अ पर्सन, मैं वो इंसान ही नहीं थी कि जिसको आप बोल दो कि भाई ये बना दो और मैंने यू नो यूट्यूब वीडियो करा और मैंने बना लिया, मैं वो थी नहीं. और आज भी समहाउ मैं बहुत कोशिश करती हूँ अच्छा खाना बनाने की. अच्छा खाना इन द सेंस कभी कभी होता है ना कुछ स्पेशल चीजें बनानी होती है, मैं नहीं कर पाती क्योंकि आई डोंट नो वो मेरा जॉनर है ही नहीं. कुकिंग वॉज नेवर माई जॉनर. मैं आई कैन डू एनी थिंग, मैं क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग यू नो सारी चीजें कर सकती हूँ. आई कैन मैनेज थिंग्स वेरी वेल, आई कैन ऑर्गेनाइज थिंग्स वेरी वेल, आई नो यू नो आई कैन शेड्यूल द थिंग्स वेरी वेल. बट कुकिंग वॉज नेवर माई जॉनर वॉज. तो ये चीजें रही. तो मैंने इस चीज को बोला, मैंने इस चीज के साथ डिस्कस किया अपनी फैमिली के साथ में. बट टचवुड, माय फैमिली सो कोऑपरेटिव, माय हस्बैंड इज सो कोऑपरेटिव, माय इन लॉज आर सो कोऑपरेटिव. उन्होंने कभी भी मुझे इस चीज को लेकर प्रेशराइज नहीं किया, नहीं नहीं जो टिपिकल बहुएं होती हैं या जो टिपिकल बेटी होती है, जो टिपिकल पति पत्नियां होती हैं, आपको तो कुकिंग करनी है, ये करनी है, ऐसा कभी भी नहीं था हमारे घर में और आज भी नहीं है. मेरे हस्बैंड को जब मैंने चीज बताई कि भाई ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, देन ही वॉज लाइक ओके दैट्स ऑल, मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारा खाना बनाना ही है, करना ही है.
तो ये वाली चीजें थी। तो व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू दैट कि जब तक आप अपने लिए बोलेंगे नहीं तब तक चीजें सही नहीं होंगी। तो ये मेरे लाइफ का 30th बर्थडे मैंने चीज एक्सपीरियंस करी कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भाई बोल दो। सिंपल सी बात है, मुंह बंद करके रखना या मनी मन सोचते रहना है, ओवरथिंक करने से कुछ भी नहीं होता है। यू नो लेट योर हार्ट स्पीक, लेट योर थॉट्स यू नो स्पीक, क्या कहना चाहते हो आप, जो भी चीजें हैं। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट था। जो फोर्थ पॉइंट था वो ये है, जो मैंने जो थोड़ा सा अपने अंदर चेंज किया वो ये था कि देखिए, जैसे कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि आप सीख रहे हो तो सिर्फ किताबों से सीख रहे हो, या आज की जनरेशन की बात करी जाए तो इंटरनेट से सीख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको जनरली सीखना है आप हर किसी से सीख सकते हैं, इवन आपके घर में छोटा बच्चा भी आपको बहुत सारी चीजें सिखा देता है अगर आप सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है मदरहुड के अंदर कि मेरे लिए हर दिन एक लर्निंग होती है, मैं हर दिन एक लर्नर भी होती हूँ, और मैं कह सकते हैं कि मैं हर दिन एक ट्रेनर भी होती हूँ और एक ट्रेनी भी होती हूँ। मैं बहुत सारी चीजें चीकू से सीखती भी हूँ, बहुत सारी चीजें चीकू को सिखाती भी हूँ, और ये चीजें मेरी लाइफ में बहुत पहले से चली आ रही है। इस चीज में हमेशा मैं रहती कि आप हर किसी से सीखिए, ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी क्या होता है कि कोई हमें कोई चीज बताता है हम उस चीज को ईगो पे ले लेते हैं कि यार इसने ऐसा बोला तब तो करके दिखाना है या करना ही नहीं है ये वाला। तो ऐसा मत रखिए। अगर आप जनरली अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाले आपके 10 साल 50 साल आप एक खुद को एक ऐसी जगह पे देखना चाहते हैं जहां बहुत काइंड हो, बहुत हम्बल हो, बहुत आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, या आपके बहुत एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट हो, तो आप कोशिश ये करिए आप हमेशा हर किसी से सीखिए। हर इंसान आपके आसपास में आज जो भी इंसान है, जो भी चीजें हैं, वो आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली सिखाएंगी। मैं अगर बात करूं पीकू की, तो पीकू से भी हम इतनी सारी चीजें सीखते हैं, हमने आज तक इतनी सारी चीजें सीखी हैं। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना थोड़ा सा अपना ईगो, या आप कह सकते हैं अपना एटीट्यूड, अपना स्वाभिमान थोड़ा साइड में रख के आपको ये चीज देखनी चाहिए कि अगर ये इंसान मुझे कुछ सिखा रहा है तो मैं उस चीज को सीखूं। शायद हो सकता है वो चीज सीखने से मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बिल्कुल सही हो जाएंगी, या मैं ग्रो कर जाऊंगी। तो ये मेरे साथ हुआ। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, हम लोग अपने पुराने घर में रहते थे, जब हम 3 सिस्टर्स हैं, हम लोगों की शादियां नहीं हुई थी, एंड आई वॉज अराउंड 8 ईयर ओल्ड और 9 ईयर ओल्ड। मेरे सामने एक भाभी रहती थी, मैं उनके बहुत जाती थी क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे थे और मुझे बचपन से बच्चों को खिलाना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उनके जाती थी। एंड वन डे व्हाट आई सॉ कि वो क्या कर रही है, जो लेसन होता है ना उसको, मतलब ऐसे उन्होंने जमीन पे रखा और लेसन को उसके उसके छिलके के साथ में उन्होंने ऐसे दबाया और लेसन का पूरा छिलका निकल गया। एंड आई वॉज सो अमेज्ड क्योंकि मैंने तो अपने घर में ऐसे देखा ही नहीं। मैं तो देखती थी कि भाई लगे पड़े हैं चाकू लेके, लगे पड़े हैं छील रहे हैं और निकल रहा है तब भी नहीं निकल रहा है। एंड उन्होंने इतना, मतलब विद इन अ सेकेंड उन्होंने उसका छिलका निकाल दिया। मैंने उनसे दोबारा पूछा कि मुझे दोबारा वो चीज करके बताओ। एट द एज ऑफ 8 मुझे इतनी क्यूरियोसिटी थी कि भाई ऐसा कैसे हो गया, इतना जल्दी कैसे चीज हो गई। वो दिन था और आज का दिन है, मैं लेसन आज तक वैसे ही छील रही हूँ। एंड ट्रस्ट में वो इतना जल्दी छिल जाता है, कोई टाइम नहीं लगता छिलने में, मुझे जरूरत नहीं पड़ती बहुत सारा लेसन पहले से छील के रखने के, अनलेस एंटी जब तक मैं कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बना रही हूँ तब तक। तो वो टाइम था, तो मुझे ना चीजें ऐसा लगा कि हाँ यार, अगर आप बहुत छोटी छोटी चीजें भी अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीजों से ही आपकी लाइफ में बहुत ग्लो आ जाता है, ग्रो आ जाता है, और आप एक बहुत अच्छा इंसान बनने का सेंस ये नहीं कि आप सबके साथ अच्छा कर रहे हो, बट ग्रो करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में आपने कितना अचीव किया है, नॉट इन सेंस ऑफ वेल्थ, इन सेंस ऑफ आप कितने अच्छे आपके रिलेशनशिप है आपके आसपास में, कितने लोग हैं जो आपसे अटैच हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि जब आप अकेले हो तो आप सोचते हो कि किसको फोन करूं, तो अगर आप अकेले हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि यार इसको करूं कि नहीं करूं, उसको नहीं करूं कि नहीं करूं, तो ट्रस्ट मी आपको ग्रो करने की बहुत जरूरत है, आपको खुद को चेंज करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर जैसे मैं अकेली होती हूँ, आई हैव नंबर ऑफ पीपल्स टू कॉल, मैं उनको कॉल कर सकती हूँ, मैं उनसे बातें कर सकती हूँ घंटों। एंड नंबर ऑफ पीपल्स का मतलब ये नहीं कि भाई 100-200 लोग हैं, 4 लोग हैं बट वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके पास में एक भी नहीं है, एक जना भी ऐसा है कि जिस पर आप डिपेंडेंट है, तो आपको थोड़ा सा खुद को चेंज करने की जरूरत है डेफिनेटली। क्योंकि मैंने किया है, मैंने सारी चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, मैंने खुद को चेंज किया है, और मैं आज अपने एक्सपीरियंस के साथ में चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं।
तो ये मेरा लाइफ का फोर्थ लेसन ये था कि आप हमेशा हर किसी से कोशिश करिए कुछ ना कुछ सीखने की। हर जना आपको चाहे कोई अच्छी चीज होगी चाहे बुरी चीज होगी वो सिखा के ही जाता है। जरूरी नहीं कि हर इंसान आपको अच्छी चीजें सिखाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको ऐसी भी चीजें सिखा के जाते हैं आपको लगता है नहीं अब ये नहीं करना, अगर ये किया तो भैया ये रिजल्ट होने वाला है। सो ये मेरा लाइफ का फोर्थ लेसन था। लास्ट लेसन जो था मेरी लाइफ का या है वो ये है कि डोंट वेट टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी एक्नॉलेज्ड वॉट यू आर डूइंग एंड वॉट यू हैव डन थ्रू आउट योर लाइफ टिल नाउ। मतलब ये है कि सपोज करिए भाई, मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने खाने वाला एग्जाम्पल बताया कि खाना मेरा कुकिंग वॉज कुकिंग इज नॉट माई जॉनर। मैंने खाना बनाया, मैं अब क्योंकि मेरे लिए भाई बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि भाई जिस इंसान को कुकिंग करना ही पसंद नहीं है वो किचन में जाके काम कर रहा है एंड देट टू वो खाना बना रहा है, वो वेराइटी बना रहा है, सारी चीजें कर रहा है। ये अभी की बात नहीं है, कुछ साल पहले की बात है। मुझे ऐसा लगता था कभी मैंने तो अभी पहाड़ तोड़ लिए तो मुझे तुम अप्रिशिएट करो, तुम अगर मैंने नहीं भी अच्छा खाना बनाया दैट इज ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट एटलीस्ट तुम मुझे बताओ कि भाई खाना अच्छा नहीं बना है या खाना अच्छा बना है, इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता था। अब मैं हमेशा वेट करती रहती थी उस चीज का, यार इसने अप्रिशिएट ही नहीं किया मुझे, इसने एक्नॉलेज तक नहीं किया कि मैं खाना बना रही हूं। मतलब मैं तो इतना बड़ा काम कर रही हूं, इसके लिए तो कुछ भी वो नहीं, इसके लिए तो ऐसा है कि यार ये तो नॉर्मल चीज है। तो I was wrong at that time. I have realized over the period of time कि I was doing nothing extraordinary unless and until हर इंसान वो काम कर रहा है। चाहे आप एक लड़का ले लीजिए चाहे आप एक लड़की ले लीजिए, शादी से पहले आजकल ज्यादातर बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं, हर काम अपना कर रहे हैं, चाहे कपड़े धोने हो गए चाहे खाना बनाना हो गया। मैं कुछ अलग नहीं कर रही थी भाई, मैं खुद ही का पेट भरने के लिए खाना बना रही हूँ, मैं तो कुछ अलग काम कर ही नहीं रही। तो मैं हमेशा ना ऐसा, और सिर्फ खाना बनाना वॉज एन एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मुझे लगता था कि यार ये तो मैंने कभी करी नहीं और मैं कर रही हूँ, मुझे अप्रिशिएशन ही नहीं मिल रहा, मुझे तो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिल रही है। बट मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि मैंने मेरी हैप्पीनेस, मैंने मेरा पीस किसी के ऊपर डिपेंड कर दिया था कि भाई जब ये इंसान मुझे अप्रिशिएट करेगा या ये फैमिली मुझे एक्नॉलेज करेगी कि भाई हाँ भाई कविता तो बहुत बड़ा काम कर रही है, भाई कविता ने तो ऐसा पहाड़ तोड़ने वाला काम किया जो किसी ने नहीं किया, भाई ये लड़की तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भाई ये वो। मुझे ऐसा लगता था यार ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। तो मैं इतनी डिप्रेस हो गई इस चीजों को लेके। इन मतलब बात बहुत छोटी सी है, शायद सुनने में बहुत अजीब लगेगी बट होता है, हम लोग अपनी हैप्पीनेस, हम लोग अपना मेंटल पीस किसी के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड कर देते हैं कि भाई ये इंसान ऐसे करेगा तभी हमें खुशी मिलेगी। मत करिए कभी भी कोई भी काम, सिर्फ इसलिए मत करिए कि कोई जना आपको अप्रिशिएट करेगा या एक्नॉलेज करने के लिए, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए कभी भी कोई काम मत करिए। अगर आप ये चीजें कर रहे हैं प्लीज स्टॉप डूइंग दिस राइट नाउ, क्योंकि द मोमेंट यू रियलाइज दिस कि भाई ये चीज उसके लिए नहीं कर रही, ये चीज मैं मेरे लिए कर रही हूं, जब आप चीजें अपने लिए करना शुरू कर देंगे आपकी लाइफ में जो चेंज आता है ना, जो मेंटल पीस आता है ना भाई साहब, वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बिकॉज आई हैव बीन इन डिप्रेशन फॉर ईयर्स, आई हैव बीन इन पोस्ट डिप्रेशन फॉर 6 months, आई हैव बीन इन सिवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन फॉर 6 months एंड आई हैव रियलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट द मोमेंट आई रियलाइज कि नो आई एम डूइंग थिंग्स फॉर माई ओन, आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स फॉर माई ओन, तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज जब मैं मेरे लिए कर रही थी तब तो मुझे बड़ी अच्छा लग रहा था, तब तो मेरे दिमाग में कभी थॉट ही नहीं आया कि भाई ही नेवर एक्नॉलेज मी और इसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया लाइक दैट। बट द मोमेंट आई स्टॉप डूइंग थिंग्स फॉर टू बी अप्रिशिएटेड टू बी एक्नॉलेज, मुझे ऐसा लगा कि भाई लाइफ सेटल है। गलती कहीं नहीं थी, डिप्रेशन की वजह मैं खुद ही थी, मेरी चीजें थी, मेरी सोच थी, मेरी ओवरथिंकिंग थी, मेरी एंजाइटी थी, मेरा स्ट्रेस लेवल था कि भाई मेरी चक्कर में मैं डिप्रेशन में थी। कोई इंसान आपके डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में कह रही हूँ। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो दवाई कोई और लेगा तो आप ठीक नहीं होंगे, दवाई आप ही को लेनी पड़ेगी। अगर आपको बुखार है तो PCM की गोली आप ही को लेनी पड़ेगी। कोविड वॉज द एग्जाम्पल, कोविड वॉज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, जो पैंडेमिक का टाइम था, हम लोग कैसे हो गए थे, हम लोग जो नर्सेस थी, जो डॉक्टर थे, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, वो काम कर रहे थे, अगर वो सिर्फ इसलिए बैठे रहते कि भाई हमें अप्रिसिएशन मिलेगा तभी हम इसके इंजेक्शन लगाएंगे, जब इसकी फैमिली आके बोलेगी भाई आपने तो बहुत काम किया आप तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी ले लीजिए तभी हम करेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता। मतलब फ्रंटलाइन वर्कर्स ने उस टाइम पे जो काम किया है वो अप्रिसिएशन के लिए नहीं किया था, वो जरूरी था, वो सोसाइटी के लिए जरूरी था, वो पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी था, वो चीजें। सो आई वॉज गिविंग एन ह्यूज एग्जाम्पल, बिग एग्जाम्पल, बट वॉट आई रियली वॉन्ट टू से इज कि
तो जो भी चीजें कर रहे हैं अपने लिए करिए, किसी और के लिए मत करिए, किसी और पे अपनी आपकी खुद की हैप्पीनेस, आपका मेंटल पीस मत डिपेंड करिए। द मोमेंट आप अपने लिए चीजें करना शुरू करेंगे, द मोमेंट आप ये चीज यू नो दिमाग से निकाल देंगे कि भाई मैं चीज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अप्रिशिएट होना है, मुझे एक्नॉलेज होना है, तब तक आप ग्रो नहीं करेंगे। मैंने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में यही चीज सीखी है कि आप अपने लिए जब चीजें करते हैं ना, आपको बहुत खुशी मिलती है। और अगर आपके दिमाग से ये चीजें निकल जाती है ना कि यार ये इंसान बोलेगा, ये इंसान करेगा, तब भी मेरे साथ अच्छा होगा, नहीं, जब आप अपने मेंटल पीस के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए चीजें करते हैं, जब आप अपने काम में इतने बिजी होते हैं, इतना इन्वॉल्व होते हैं, आपको लगता है कि यू नो आप जो भी कर रहे हैं बड़े खुश होते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी के यू नो उसकी एप्रिसिएशन की कि भाई हाँ तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, तभी मुझे लगेगा नहीं मैं अच्छा काम कर रही हूँ, नहीं। तो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था, सबसे बड़ा लेसन था, और इसलिए मैंने इसको लास्ट पे रखा क्योंकि मुझे चीज बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो ये मेरी लाइफ के 5 एक्सपीरियंस थे अब तक की लाइफ में। मुझे नहीं पता आगे आने वाली लाइफ में शायद हो सकता है कि मेरी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है इसमें बहुत सारी चीजें और एड ऑन हो जाएं और मैं बहुत सारी चीजें और सीखूं, और शायद 40वें बर्थडे पे हम लोग कुछ और शेयर कर रहे होंगे कि भाई लाइफ में 10 साल के 30 से लेकर 40 साल में मैंने यही चीजें सीखी। सो ये था मेरे लाइफ के 5 लेसन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आज है मेरा बर्थडे, आज मैं हो जाऊंगी 30 सालों की, 30th birthday आज मेरा, यू नो 30 साल कंप्लीट करी लाइफ में, भाई ऐसा लग रहा है बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पैरों में दर्द होना शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में। होप आप लोगों के भी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों जिन्होंने बहुत हेल्प करी हो आपको ग्रो करने में लाइफ के अंदर। तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या रहा है आपके किसी स्पेसिफिक बर्थडे तक कि आपको लगा यार लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख ली, यार जब पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा लगा यार क्या थे क्या बन गए, इन अ पॉजिटिव सेंस नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। तो कमेंट डाउन करके मुझे बताइए आपको लगा कैसा लगा मेरी लाइफ का यू नो एक्सपीरियंस वाला वीडियो। और इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दिवाली इज राउंड द कॉर्नर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं बैक ऑफ द ग्राउंड में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।